अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू आमना दीस व्लॉग्स। जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं और नहीं भी जानते तो जान जाए, मैं हूँ आमना। और लास्ट टाइम मैंने आपको अपना होम टूर दिया था जहाँ पर हमारे पास फर्नीचर नहीं था। तकरीबन 2 महीने पहले की बात है ये, जब मैंने होम टूर दिया था उस वक्त घर में अकेले के सिर्फ कारपेट के अलावा कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा था मैं आपको कंप्लीट टूर तब दूंगी जब यहाँ पर सामान आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सारा काम जो है ना, फर्नीचर वगैरह ओके हो गया। तो मैंने कहा आज ब्लॉग रिकॉर्ड करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। अभी स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये घर है, ये साइड पे घास वगैरह यहाँ पर हमने ना बिल्कुल साइड पे, बाहर से इस तरह की आवाज़ें आनी है, साइड पे दिखाओ पौधे वगैरह लगा दिए हैं यहाँ पर। हर मंथ में आगे ना इसकी कटाई वगैरह कर देता है और ये पौधे साइड में हमने सारे लगाए हैं ताकि जब हम यहाँ पर 2-3 साल में हो जाए तो ये बिल्कुल बड़े बड़े हो जाएं। और साइड पे यहाँ पे पौधे इसलिए लगाए हैं कि कोई बाहर खड़ा हो तो छाँव में आराम से खड़ा हो सके। तब चलते हैं घर की तरफ। इसकी साइड यहाँ पे भी उन्होंने जगह स्पेस छोड़ी हुई है और उस साइड पर भी जो है ना वो स्पेस छोड़ी है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा घर पर ना छोड़ी हुई है। और अभी आमना पहले नूर को छोड़ने जा रही है, फिर ही हम ब्लॉग का टूर दे सकते हैं, सॉरी फिर ही हम घर का टूर दे सकेंगे। तो आ जाइए जी, जब आपने पहले हमारा, पहले मैं एक लुक दिखा देती हूँ, पहले टूर देखा था आपने, पापा पूछ रहे हैं गाड़ी साफ कर दी है, अंदर से पूछ रहे हैं। हाँ जी, पहले टूर दिया था आपको तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज इधर आए मैं आपको क्या क्या दिखाऊँ, यहाँ पर हम घर में हर एक एक छोटा सबसे छोटे से छोटा बच्चा भी है ना, जो उसकी भी यहाँ पे माशाल्लाह से साइकिल खड़ी हुई पड़ी है। ये देखें, ये अबू बकर की साइकिल है, वो अंजाब की है, ये अब्दुल्ला की है, ये मेरी है, वो भी अब्दुल्ला की है, और अहमद की जो है ना वो भाई साइड पे खड़ी हुई है। और अच्छा, पहले मैं ना ये ज़रा गाड़ी बाहर कर लूँ, देन हम प्रॉपर वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड करते हैं। आपको मैं बैक साइड से भी दिखाती हूँ, सब ओके करवाती हूँ। क्या मैं कहना है कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, बड़ी वाली नहीं आती ये मैं कहती हूँ। हाँ, अगर आप मैंने ये गाड़ी बाहर निकाल ली तो आज शाम हम इसी गाड़ी पे बाहर जाएंगे। ओके, डन डन। यकीन नहीं आना फिर, मैं अभी नहीं बैठना, पहले बाहर निकालो, मैं बाहर भी नहीं निकालनी आती अभी। दरअसल आमना शुरू से छोटी गाड़ी चलाती है, ये इसको बड़ी इतनी अच्छे से नहीं चलानी आती। हाँ जी, मानती है कि नहीं हो, अब ये कोई इतना मुश्किल बात नहीं थी यार। क्यों कहा था कि आमना बाहर ही नहीं निकाल सकती, वो मैंने जब रश में रश में नहीं चलानी आती, तुम्हें आमना जब तुम बैठती हो तुम्हें आगे से नजर नहीं आता। बस रूट से सियालकोट मैं, मुझे याद है मैं लेके आई थी इसी गाड़ी पे, इतना रश होता है सियालकोट वाली साइड पे, छोड़ दो बात को। अच्छा अभी देखो मैंने पूरे घर की सफाई की है, गाड़ी पीछे हुई है तो ये नीचे से गंद निकल आया, ये क्या हो गया। अच्छा तो मैंने गाड़ी बाहर खड़ी कर दी है ताकि अब मैं आपको ध्यान से दिखा सकूँ सब चीज़ें यहाँ पर पूरे। मैंने आज मैंने मुझे पता था मैंने टूर देना है तो मैंने घर की सारी सफाई कर दी थी। अंदर आ जाओ, नूर गेट बंद कर दो, घर की सफाई कर दी थी तो अब भी गाड़ी साइड पर किया है तो नीचे इतना गंद आ गया। खैर छोड़ो इसको, तो गाइस मैं आपको दिखा रही थी कि ये यहाँ पर जो है ना, अब यहाँ पर 2 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, एक छोटी गाड़ी इस साइड पर भी आ सकती है और ये बड़ी वाली गाड़ी जो है ना ये इधर आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बैक साइड में आपको बताती हूँ, इधर बैक से बैक साइड पे जो है ना एंट्रेंस के 2 दरवाजे हैं, जिसके मैंने आपको पहले व्लॉग में भी बताया था, लेकिन जो पहला मेरा व्लॉग था उसमें हमारे पास फर्नीचर नहीं था। आज सारी चीज़ें जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी हैं। एक एंट्रेंस ये है, एक एंट्रेंस बैक साइड पे है, ठीक है। और बैक साइड पे जो है ना वो कपड़े धोने का भी सारा साजो सामान है, मशीन वगैरह वहीं पर रखी हुई है। और ऊपर आए मैं आपको दिखा दूँगी कभी, यहाँ से भी ये ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाता है दरवाज़ा, ये किचन की तरफ दरवाज़ा जाता है, ठीक है। ये हमारा रूम है, ये रूम की बैक साइड है, मामा वाला रूम है ये, सॉरी आयशा वाला रूम है ये। और उस साइड से जाना वो बाबा वाला रूम आता है बाहर वाली साइड पे, यहाँ पे कपड़े वगैरह वॉश करते हैं। दूसरी एंट्रेंस जो है ना ये साइड से है। खैर अब चलते हैं अपने घर की तरफ, आ जाइए। पढ़ने जाना पड़ेगा नूर को, ऐसे ही होता है नूर के साथ, बाय बाय नूर। सो ये है घर का मेन डोर। तो लास्ट टाइम जब आपने देखा था खाली था सब घर, ठीक है। आज आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ से एंटर होते ही जो है ना फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस आ जाती है, यहाँ से स्टेयर्स हैं और स्टेयर से ऊपर जो है ना फर्स्ट फ्लोर आ जाता है। खैर दिस इज मेन टीवी लॉन, ठीक है। ये टीवी लॉन से यहाँ पर टीवी लगा हुआ है और ये एल शेप सोफा यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये मैंने आपको वीडियोस में भी बताया। तो मैंने जब मिनी ब्लॉग बनाया था मैंने हर चीज़ आपको साथ साथ दिखाई भी थी, बल्कि आपकी पसंद की आपसे पूछ के आइडिया लेके मैंने यहाँ पे चीज़ें वगैरह सेट की हैं, लाइक थीम और हर चीज़ यहाँ पे ना, कारपेट का कलर,
वॉल का कलर, हर चीज यहाँ पे मैच करके ना हमने प्रॉपर सेट किया है, आपको चीजें पसंद आएंगी। और आप तो मुझे बताना है कि कौन सी चीज जहाँ पर नहीं सही लग रही, मैं कोशिश करूंगी कि उसको हटा दूं, क्योंकि मुझे पता है आप जो है ना अच्छा मशवरा देते हो। तो ये हमने क्या किया था कि क्योंकि यहाँ पर जो बैक इसकी वॉल है ये भी गोल्डन कलर का शेड दे रही थी, ऊपर से जो ये ऊपर फनूस है ये भी गोल्डन कलर की शेप दे रहा था, और ये भी जो दीवार है ना ये भी गोल्डन शेप दे रही थी, तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पर गोल्डन थीम जो है ना वो अच्छी लगेगी। तो आपने मुझे बताना है कि ये डिसीजन जो है वो ठीक है या नहीं थी। और यहाँ पे ये कारपेट जो है ना ये भी सोफों के साथ मैच हो गया है, मतलब हमें तो ये बिल्कुल परफेक्ट लगा है, आपने अपना मुझे बता दे रहा है। अच्छा, ये जो टीवी लॉन है इसके बाद यहाँ पे दो रूम आ जाते हैं, ठीक है, नीचे वाले फ्लोर पे दो रूम है और एक ड्राइंग रूम है, ऊपर जो है वो चार रूम है, ठीक है, और साथ ही यहाँ पर किचन आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पर हमने ना अपनी बचपन की पिक्चर रखी है, ये तीन, हम चार बहने हैं लेकिन यहाँ पर तीन है, आपने बताना है कौन कौन है। ये सेंटर वाली आपको नूर लग रही होगी, लेकिन ये नूर नहीं है, ये मैं, ये मेरी बड़ी बहन है और ये एक मिडिल चाइल्ड है। आपने तो भी पूछा है कि बताएं कौन है, तो साथ खुद ही बता भी दिया। ओ माजरत, खैर मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, ये नूर लगती है ना, पर ये नूर नहीं है, ये मैं ही हूँ, ठीक है। अच्छा, इससे पता चलता है कि नूर और आमना एक जैसी है। नहीं, मेरे जैसी नहीं है नूर। खैर इधर आ जाओ, ये देखो ये जो है ना ये दो कमरे हैं यहाँ पर, ये एक मामा और बाबा का रूम है। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि पापा का रूम है, सब लोग कहने लगे आपकी मामा किधर है, मामा किधर है, तो ये बाबा का रूम है और ये जो है ना हम बहनों का रूम है। तो घर में सिर्फ और सिर्फ आयशा, मैं और हीना होते हैं बाबा मामा के साथ, मतलब कि हम तीनों सिस्टर एक रूम में होती है। आयशा, मैं और नूर, तीनों हम सिस्टर होती हैं, वो इस रूम में सोती हैं, मामा और बाबा का ये रूम है। तो अभी बाबा शायद शॉवर लेके गए हैं, तो वो रूम में इसी तरह से मेस जो है ना वो क्रिएट कर गए हैं। खैर आ जाएं आप। तो गाइस ये है बाबा का रूम, यहाँ पर मैं सामान समेट के गई थी लेकिन बाबा शॉवर लेके गए हैं, तो सारी चीजें ऐसे की ऐसी फेंक गई हैं। वो देखो ड्रॉर भी खोल गए हैं, इसको मैं बंद करती हूँ। इस रूम की ज्यादातर हमारे घर में जो थीम है ना, ज्यादातर क्या सारे का सारा जो है ना वो हमारा गोल्डन कलर का ही सब हो रहा है। आप देखेंगे जो हमारा ड्राइंग रूम है ना वो भी गोल्डन कलर में हो रहा है। यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली ये जो है ना गोल्डन कलर में हमारी थीम हो गई है, क्योंकि इसकी बैक जो थीम ये भी सारा गोल्डन शेड दे रही थी, इसकी कवर जो है ना ये भी गोल्डन शेड दे रही थी। तो हमने कहा चलो यहाँ पे नहीं, ये तो वैसे अचानक से ये बेड डिसाइड हो गया था, चाचू और मैं और चची गए थे तो उन्होंने बोला ये लेना, हमने कहा ठीक है ले लेते हैं, तो ये गोल्डन ले लिया। अब ना हाँ, हालांकि ये बेड पसंद नहीं आया घर वालों को, पूरे रूम में ना एक चीज रह गई है, वो ये है कि यहाँ पर कर्टन्स लगाने हैं गोल्डन कलर में, ठीक है, ये हमने यहाँ से चेंज करने हैं कर्टन्स, ये वैसे ही बस लगाए हुए हैं कि खाली यहाँ पे हम लोगों ने अभी कर्टन इसलिए नहीं लगाए क्योंकि पापा कहते हैं उन्होंने बेड चेंज करना, उन्होंने ब्लैक कलर का बेड लेना है, तो फिर हम लोगों ने इसलिए नहीं लगाए। ये इसका वॉशरूम है और ये देखो इसकी कबर्ड जो है ना ये भी जरा बेड के साथ मैच हो रही है। तो बस इस रूम में थोड़ा सा काम रहता है जो कि ये एक एलईडी का काम है और एक ये कर्टन का काम है, बस हम लोगों ने अपनी तरफ से इस कमरे का ना कंप्लीट कर दिया था कि ये गोल्डन है ये और ये सारा कुछ करके, लेकिन बाबा को पसंद नहीं है, उन्होंने कहा उनको ब्लैक चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम बहनों के रूम में, ठीक है, तो ये है हम बहनों का कमरा और यहाँ पे जो चीजें हैं ना ये सारी आयशा की पसंद की हैं। आयशा की पसंद की किस तरह से, आयशा ने सिर्फ और सिर्फ एक बेड पसंद किया था जिसकी वजह से बाकी सारा सामान ये वाला लाना पड़ा और डे वन से मुझे बेड को लेके बातें सुननी पड़ी। हाँ, इसको सब कहते हैं तुमने बेड को ही नहीं अच्छा डिसाइड किया। अच्छा हाँ, इस दीवार का जो देखो आप कलर देख रहे हैं ये ग्रे था, तो मुझे लगता था कि यहाँ पे ना ब्लैक बेड ठीक रहेगा, लेकिन आयशा कह रही थी नहीं जी उसने ग्रे बेड ही लेना है, तो ये आ गया इसका ग्रे बेड और अब इसको खुद भी नहीं पसंद, जो बात है ना इसको नहीं पसंद, मुझे पसंद है। अच्छा, अब हमने ना यहाँ पे एक ये वाला कारपेट और ये जो कर्टन था ना ये हमने ब्लू कलर के लिए हुए थे, अब हमें ये भी नहीं समझ आ रही कि अब हम यहाँ पे ठीक लग रहे हैं नहीं लग रहे। अब आपने मुझे लाजमी बताना है कि ये थीम अच्छा लग रहा है या नहीं, ये ब्लू कर्टन्स का और ये कारपेट ये बहुत अच्छा लग रहा है, कोई कह देगा नहीं अच्छा लग रहा तो मैं नहीं मानूंगी। ओके, नहीं मानूंगी। तो फिर भी ये तो आप देख सकते हैं ये सब चीजें आपस में मैच कर रही हैं, इनका आपस में जो है लिंक लग रहा है। खैर यहाँ पे एक सोफा का बेड पड़ा हुआ है जिसके नीचे हमें लग रहा है कि इस वक्त चूहा चला गया हुआ है, रात को बहुत अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी तो हमें लग रहा है इसके नीचे चूहा। अच्छा, नूर और आमना इधर सोते हैं, ठीक है, और ये मेरी जगह होती है, इसको बेड बनाना होता है, ठीक है,
तो मुझे इसमें से आवाज आ रही थी, कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज है अंदर ना, जैसे वो है भी है कुछ है, वो ना कोई कपड़ा काटने की आवाज आ रही थी टक 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 टक। और रात को 2 बजे हम तीनों ने उठ के इसका पूरा मुआवजा किया लेकिन कुछ नहीं मिला हमें। और ये देखो ये मेरे हॉस्टल में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे हॉस्टल में एक मिरर था जो कि स्क्वायर शेप में था, प्रॉपर यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है। तो अब हमें चाहिए था कि कोई हम ऐसी चीज हो जो हम यहाँ पर इसको आराम से रख सकें। अच्छा मैं आपको भी एक चीज बताती हूँ, ये बेड का थोड़ा बहुत खराब हुआ ना तो सारे कहते हैं ये आयशा का, अब ये मिरर थोड़ा ठीक करवाई ये कहेंगे ये हमने किया। अब हम सोच रहे हैं एक छोटा सा रैक यहाँ पे रखना जहाँ पे मेकअप का सामान आ जाए थोड़ा बहुत, रखेंगे अभी ना। पहले मैंने सोचा था, जो मेरा पहले ख्याल था कि सिर्फ बेड हो और ये शीशा थोड़ा बहुत और यहाँ पे एक रग आ जाए, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरे साथ बाकी बहनों ने भी रहना है तो इस तरह काम नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे जो छोटी सी स्पेस है ना, इसमें यहाँ पे कबर्ड है, यहाँ पे कपड़े वगैरह, मैं आपको प्रॉपर कबर्ड का भी किसी दिन बताऊंगी इसको सेट करके, अभी मैंने इसको सेट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से सामान बेतरतीब से भरा हुआ है। और यहाँ पर ये वॉशरूम है जो ज्यादातर हम यूज करते हैं, ये वाला वॉशरूम ज्यादा यूज में आता है। ओके सो अब हम चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। अच्छा आप लोगों को ये लगेगा कि बाहर से बड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन छोटा छोटा सा अंदर से क्यों है, तो इन्होंने साइड से भी काफी स्पेस छोड़ी हुई है और इस वाली साइड से भी काफी स्पेस छोड़ी हुई है। और दूसरी बात ये कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर भी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जो है ना ग्राउंड फ्लोर जो है ना ये कंप्लीट कर रही हूँ। सेकंड फ्लोर का जो है ना मैं इंशाल्लाह आपको कल दूंगी, आपने फर्स्ट फ्लोर का कल टूर दूंगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियोज को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया। ये सब चीजें जो है ना मैंने आपकी पसंद से, आपकी मर्जी से, आपकी रजामंदी से ली है। मतलब मुझे जिसने कहा है ना ये चीज नहीं ठीक आ रही तो मैंने कोशिश किया कि वो चेंज कर दूं। लेकिन यहाँ पर पहले मैंने सोफे रखे हुए थे मैरून कलर में, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये ना जरा ओल्ड फैशन, तो आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो ही आपको पता चलेगा हर चीज का। उन्होंने कहा कि शायद ये ओल्ड फैशन सोफे हैं तो आप हटा दें, मैंने हटा दिया और अब यहाँ पर ये जो है ना ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। अब आ जाओ ये ड्राइंग रूम की तरफ, गेस्ट ड्राइंग रूम के सोफे पुप्पो को नहीं पसंद ड्राइंग। अच्छा वैसे ये बात है कि आयशा यहाँ पे भी गोल्डन गोल्डन थीम है, इधर भी गोल्डन गोल्डन थीम हो गया, बाबा के रूम का भी गोल्डन गोल्डन थीम हो गया, बाबा का कपड़ा चेंज कर लेना चाहिए। अच्छा हमारी जो पुप्पो है ना सबसे छोटे वाली, उनको इन चीजों का बड़ा शौक है, वो काफी ज्यादा हमारी हेल्प करती है बताने में। अब जैसे ये हमारा ड्राइंग रूम है, आप बताएं क्या इसमें चेंजेस वगैरह करनी चाहिए। ये सोफे पता नहीं क्यों उन्हें पसंद आए, हालांकि ये मेरी पसंद के थे वैसे। अच्छा तो यहाँ पर पहले हमने क्या किया था, सिर्फ 7 सीटर सोफा यहाँ पे ये रखा हुआ था, मामा का कहना है इसके पाँव लंबे हैं पाँव कटवाओ इसके। अच्छा ये 7 सीटर सोफा रखा था तो हमें लग रहा था कि ये कम है, तो फिर हमने 3 सीटर सोफा जो ना वो एक्स्ट्रा अलहरा से यहाँ पर ना कर लिया था। अब मैं चाह रही थी कि यहाँ पे कोई दीवान टाइप आ जाए वो ज्यादा सही लगना था, ये भी ठीक लग रहा है लेकिन आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब तो खैर बनवा लिया है। अच्छा और ये यहाँ पे देखें ऐसे सोफे पे बैठते हैं ना और ये टांगे ऐसे ऐसे ना लटक रही होती हैं, तो मामा कहती हैं कि इनके जो है ना पैर वगैरह सोफों के इनको आधा काट दो। खैर ये देखो ये हम इचरा बाजार से लेके आए थे कर्टन्स जो आपने बहुत पसंद किए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके अंदर 2 से 3 इसमें और इसकी बैक साइड पे कोई और लगने चाहिए। हाँ क्योंकि जो ड्राइंग रूम वगैरह होते हैं ना उनमें हैवी हैवी चीजें अच्छी लगती हैं, और यहाँ पे पर्दे भी थोड़े से हैवी होने चाहिए, जिस तरह से हमारे रूम में कर्टन है ना हैवी हैवी, यहाँ पे भी थोड़े हैवी हैवी जाना चाहिए। और दूसरा ये कि हम लोगों ने ना मतलब सोचा ऐसा ही था जैसे हम लोगों ने साइड पे ये क्लिप लगाया हुआ है कि इसको साइड से ऐसे करेंगे, लेकिन और डबल इनके वो स्टैंड भी लगवाए हैं ताकि हैवी अगर हो तो ईजी हो। बाकी ये साइड पे आप देख सकते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये जो लगे हुए हैं क्या कहते हैं इन्हें लैंप, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा तो ये था हमारा छोटा सा टूर, होम टूर, किचन अभी रहता है वो, हाँ अभी किचन रहता है। तो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर मैंने आपको दिखा दिया है, इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना फर्स्ट फ्लोर भी दिखाऊंगी। ये हमारा हमारे घर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्द है जो कुछ बोलता नहीं है, कुछ खाता पीता नहीं, यही ना हीना है, लेकिन ये है कि इसने बस एक जगह घेरी हुई है और कोई बात नहीं है। अच्छा
यहाँ पे ये सिस्टम ठीक है कि ये हमने घर जो ना ये बना बना लिया, लेकिन फर्नीचर वगैरह खुद हमने अरेंज किया है यहाँ पे। इस पे हर रूम में इन्होंने लैंप लगाए हुए हैं, यहाँ पे भी लैंप लगे हुए हैं, इस साइड पे भी आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे भी लैंप लगे हुए हैं, बाबा के रूम में भी लैंप लगे हुए हैं और आयशा रूम में भी लैंप लगे हुए हैं, हर तरफ यहाँ पे लैंप लगे हुए हैं। और ये था लास्ट। वैसे हम लोगों ने जब घर लेना था ना, हमने फर्निश्ड वाले घर भी देखे थे, लेकिन उसमें ये था कि फर्नीचर अच्छी क्वालिटी का नहीं था। ये हमने अपनी पसंद का लिया और जिस तरह से हमारा दिल किया हमने वैसा लिया। हम लोगों ने ये देखा कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए फर्नीचर की, ये नहीं कि बंदा 6 महीने यूज करे और बाद में खराब हो जाए। और ये है लास्ट किचन। किचन आप देख सकते हैं किचन जिस तरह से होता है, ये साफ मैंने किया आज। और कैबिन वगैरह यहाँ पर, ये चूल्हा एग्जॉस्ट लगा हुआ है। बाकी दबाही टाइम में आपको फिश दिखाती हूँ, जो कि नई मेहमान आई है हमारे घर, ये देख सकते हैं। कभी बिल्ली आ जाती है, कभी फिश आ जाती है। ये फिश है, इसका पानी साफ करने वाला है। ये बेचारी हम लोगों ने चार ली थी तो किधर गई, अकेली रह गई, बाकी मर गई हैं। वो अंकल ने कहा था जिनसे ली थी, पता नहीं नजर ही नहीं आ रही। ये है आयशा पी, जिनसे ली थी उन्होंने कहा था ज्यादा खाना डालोगे तो मर जाएगी, कम खाना डालोगे तो मर जाएगी, हाथ लगा तो डर जाएगी, पैर निकालो तो मर जाएगी। सो गाइस, ये था होम टूर, होप्स हो कि आपको पसंद आया हो। और बाकी ये कि अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मुझे फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पे कमेंट जरूर करना कौन सी चीज़ आपको पसंद आई, कौन सी चीज़ आपको पसंद नहीं आई। फर्स्ट फ्लोर का टूर देखना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को आपने लाजमी क्लिक करना है। दूसरा ये कि मैं गिव अवे भी करने वाली हूँ, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे, अभी मेरे कोई खास सब्सक्राइबर्स नहीं है, 30,000 तुम्हें खास नहीं लगते? 30,000 है, मतलब कि अगर आप मेरे गिव अवे जीतना चाहते हैं तो आप आसानी से जीत सकते हैं, आप मुझे कमेंट करेंगे तो आप गिव अवे जीत सकते हैं। सो गाइस, वीडियो का यहाँ पे मैं एंड, इंशाल्लाह हमें 30,000 पे गिव अवे करना है। 30,000 पे गिव अवे लाजमी करेंगे, इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब कर देना है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। पार्ट 2 आपने लाजमी देखना है और मेरे सारे ब्लॉग्स आके देखो। बाय बाय।